सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। भदरसा में एक घटना हुई, वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके भी घर में, परिवार में माँ है, बहन है, बेटी है, सारे लोग, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी समाजवादी पार्टी पुरजोर निंदा करती है। किसी भी परिवार की बेटी के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं रहती कि किसी की बहन के साथ, बेटी के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। और हम अपनी बात आगे प्रस्तुत करें आपके सामने, आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उसके पहले जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सजा देने की आड़ में घटना की कार्रवाई की आड़ में सत्तादल निर्दोषों को फंसा करके अपनी राजनैतिक प्रतिद्वंदिता साधे, ये नहीं होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी इस बात, उसके छोटे भाई की पत्नी नैना एडमिट है, 27 तारीख से एडमिट है महिला अस्पताल में, ये वहां का कागज है महिला अस्पताल का। और जयसिंह राणा रात में अपने अपनी पत्नी को, उनके बच्चे भी थे, सीसीटीवी अगर आप निकालेंगे फुटेज उसका तो दिखाई पड़ेगा, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ेगा कि जयसिंह राणा अस्पताल से अपने पत्नी और बच्चे को लेकर घर जा रहा है। अब आप बताइए, अपने पत्नी और बच्चे को ले जाने पर आप मुकदमा दर्ज कर दे रहे, राष्ट्रीय चेयरमैन की गाड़ी से गए थे जैसे, अब साथ जाने पर मुकदमा दर्ज, ये तो अराजकता है सरकार, गुंडे ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडे ही कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये उत्पीड़न है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि नाजायज उत्पीड़न मत करिए। आपने सरकार में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो आपने संविधान की शपथ ली कि न्याय करेंगे, जो सच होगा वो करेंगे। ये सच नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता है तो आप फर्जी मुकदमा लिख करके अपनी पार्टी को खुश करेंगे। हम अधिकारियों से भी कह रहे हैं खुश करने की परंपरा को बंद करिए, खुश करने की परंपरा को बंद करिए, न्याय करिए। सच अगर जयसिंह राणा दोषी है, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़े कि वो धमकी दे रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, मुकदमा लिखिए। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो आप इस तरह की कार्रवाई मत करिए। केवल भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमा न लिखिए, ये समाजवादी पार्टी कहना चाहती है। इसकी जांच हो, गंभीरता के साथ जांच हो, ये बड़ा मुद्दा है। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कानून बने, नियम बने कि दोबारा इस तरह की घटना ही ना होने पाए, कभी भी किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की घटना ना होने पाए। सरकार को इसके लिए सख्त होना चाहिए, हम इसके पक्ष में है, समाजवादी पार्टी हमेशा इसके पक्ष में रही है कि बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, उनके साथ कभी कोई अपराध ना होने पाए, घटना ना होने पाए, उनके सम्मान से खिलवाड़ ना होने पाए। पूरी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन हमें चाहते हैं कि सच आना चाहिए सामने, निर्दोष के साथ कार्रवाई ना हो, जो दोषी हैं उन्हें न्यायालय कठोर से कठोर सजा दे, इसकी समाजवादी पार्टी मांग करती है। लेकिन निर्दोष का उत्पीड़न ना होने पाए, निर्दोष फंसाया ना जाए, निर्दोष को सजा ना मिले, हम ये भी चाहते हैं। एक मंत्री आ जाए जब फुट फुट के रो रहे थे, एकलव्य छात्रावास है ये अयोध्या में निषाद बिरादरी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं उनसे भी, आप बच्ची के लिए चिंतित, अच्छी बात है, आपके अंदर मानवता बच्ची है, अच्छी बात है, आप उसके लिए हमदर्दी दिखाने आए, आपके समाज की बिटिया है, अच्छी बात है, आपको दिखाना चाहिए, आपको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जब आपके समाज के गरीब बच्चों के पढ़ने वाला क्लब छात्रावास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर लिया तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकली, तब आपकी नैतिकता मर गई थी, तब समाज के प्रति आपकी चेतना मर गई थी, आपके जीभ पे लकवा मार गया था, आपके मुंह से एक बार आवाज नहीं निकली कि निषाद बिरादरी का छात्रावास भाजपा के नेताओं के संरक्षण में
कब्जा हो गया, आप एक शब्द नहीं बोले उस पर, आपको उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। आचार्य प्रमोद किसना वीडियो जारी कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं आचार्य प्रमोद के पास, नैतिकता का पाठ पढ़ाना आपको तब शोभा देता कि जिन घटनाओं को मैंने अयोध्या की गिनाया पूर्व में, उन घटनाओं पर भी आपने आकर आंसू बहाया होता। जो गोमती नगर में भी घटना हुई और जिस पर मुख्यमंत्री का बयान आया, उस पर भी अगर आचार्य प्रमोद किशोरन का बयान आया होता तो मैं जानता कि आपकी नैतिकता बची, आपके अंदर भी इंसानियत जिंदा है। जो अयोध्या में घटना हुई थी गरीब बच्ची के साथ 1.5 साल पहले, उस पर भी आचार्य प्रमोद किशोरन का बयान आता तो मैं जानता नैतिकता बची है। सनमी में स्कूल के मुद्दे पर बयान आता तो मैं जानता कि आचार्य प्रमोद किशोरन में नैतिकता बची है। बीएचयू कांड में सामूहिक दुराचारियों पर अगर आचार्य प्रमोद किशोरन का बयान आता तो मैं जानता कि उनके अंदर नैतिकता और इंसानियत बची है। तब उनके जीव और मुंह में लकवा मार जाता है, तब वो एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि नया नया अभी भाजपा का चोला हो रहा है, तो सुरक्षा कहीं वापस ना हो जाए इस डर के मारे प्रमोद किशोरन की नैतिकता इन मुद्दों पर मर जाती है, इंसानियत उनकी मर जाती है। हम समाजवादी पार्टी के किसी नेता को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, फिर मीडिया के सामने स्पष्ट कर दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी को बचाने की वकालत इस प्रेस के माध्यम से नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी केवल न्याय की बात कर रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी साक्षर